सो नाउ वी वर डिस्कसिंग द जॉइंट्स, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्रॉस जॉइंट. व्हाट इज क्रॉस जॉइंट? व्हेन वी कंबाइन टू और मोर टेबल्स विद ईच अदर विदाउट एनी कंडीशन वेयर और ऑन, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ जॉइंट एज कार्टेशियन और क्रॉस जॉइंट. इन क्रॉस जॉइंट basically each record of a table is joined with each record of other table involved in the join. SQL server cross join should not have either on or where clause. यानी आपके पास cross join क्या करता है, cartesian करके देता है. cartesian product आपने एक term पढ़ी होगी maths के अंदर. what does cartesian product do? cartesian product बेसिकली अगर हमारे पास दो साइड्स होते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, फर्स्ट साइड की वैल्यू को सेकंड साइड की वैल्यू के साथ एग्जैक्टली 1/1 मल्टीप्लाई करता है, कंबाइन करके देता है. तो कार्टेशियन ज्वाइन भी या क्रॉस ज्वाइन भी हमारे पास सिमिलरली यही काम करता है. तो लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और एसक्यूएल सर्वर मेरे पास ऑन है. So let's say we have this database or tables. We have a customer and departments table. So let's say मैं यहाँ पर आके database use करता हूँ 1909F और ये execute कर लिया तो हमारे पास, अच्छा ठीक है, control Z 1909F. Let's save this. अच्छा टेबल डेटाबेस का नाम सही नहीं दिया, एपटेक अंडरस्कोर 1909F डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं. उसके अंदर हमारे पास एक टेबल है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द कस्टमर्स और वी कैन से वी हैव एम्प्लॉयज, ठीक है. लेट्स से एम्प्लॉयज EMP. तो हमारे पास एक टेबल ये है एम्प्लॉय का, इसके अंदर तीन रिकॉर्ड है, ठीक है. या चलो मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला टेबल यूज करते हैं एम्प्लॉयज. Employees execute, तो यहाँ पर आपके पास देखो कितने employees का data आ रहा है, 5 employees का data आ रहा है. Then we have another table that is depart, ठीक है. So let's see this table, select all from the depart table. So यहाँ से हम इसको run करते हैं, इसको departs table का नाम है departs, ठीक है. So मैं इस वाले statement को भी run करता हूँ. तो हमारे पास ये देखो कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तीन डिपार्टमेंट आ रहे हैं. सो बेसिकली व्हेन आई हैव टू अप्लाई द क्रॉस जॉइन व्हाट विल हैपन, सो आप लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, कौन सा टेबल है एम्प्लॉयज, क्रॉस जॉइन यानी क्रॉस जॉइन किसको ज्वाइन करेगा, डिपार्ट्स के टेबल को, ठीक है. सो अभी आप देखना क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास देखो यहाँ पर बहुत सारे डेटा आ गया, यानी कितनी रोज आ गई, 15 रोज रिटर्न हुई है. कितनी रोज रिटर्न हुई है, 15 रोज रिटर्न हुई है. अब यहाँ पर अगर मैं इसको आपको 1/1 दिखाऊं तो एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं और डिपार्टमेंट कितने हैं, वी हैव 3 डिपार्टमेंट्स. हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज हमारे पास 5 हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगी, जो लेफ्ट वाला टेबल है उसके हर एक रिकॉर्ड को राइट वाले टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ 1/1 मल्टीप्लाई कर देगी, प्रोडक्ट कर देगी. तो अब आप देखो 5 and 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 15. सो लेट्स से आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली कार्टेशियन ज्वाइन क्या कर रही है, क्रॉस ज्वाइन क्या कर रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दे रही है. यानी आपके पास जो फर्स्ट टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेकंड रिकॉर्ड के टेबल के साथ और हमारे पास उतनी रोज प्रोड्यूस हो जाएंगी. सो लेट्स से मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखना ये जो हमारा एक एम्प्लॉय था अहमद, पहले अहमद का रिजल्ट अकाउंट के साथ आया, फिर साजिद अकाउंट, फिर मजीद अकाउंट, इसी तरह से आप देखो ये 5, यानी ये जो 5 रिकॉर्ड थे लेफ्ट टेबल के वो सारे मल्टीप्लाई हो गए सेकंड टेबल के फर्स्ट वाले डेटा के साथ. यानी फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट था, अकाउंट्स का, ठीक है. तो सारे रिकॉर्ड्स पहले वाले टेबल के पहले अकाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है. देन सारे रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई हो गए आईटी के साथ और फिर फाइनली वो मल्टीप्लाई हो गए फाइनेंस के साथ.
तो पांच रिकॉर्ड बन गए अकाउंट्स के, पांच बन गए आईटी के और पांच बन गए फाइनेंस के। तो अब इन सब को जब हम प्लस करते हैं सो वी विल गेटिंग दी 15 रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो क्रॉस ज्वाइन ये काम करता है आपके पास। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन में अगर आते हो, द क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल्स इन्वॉल्व इन द ज्वाइन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द सेकंड टेबल। तो पार्टीशन प्रोडक्ट का सिंपली मतलब यही होता है कि जो हमारे पहले टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं किसके साथ, सेकंड टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दिस बेसिकली मींस क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन के अंदर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अचीव कर रहे होते हैं।